अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं तो आप लोग पूरा दिमाग लगा के उस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमेशा ही मैं आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछती हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को सवालों के जवाब देना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी वीकेंड का वार कल का तो हो चुका है, सैटरडे को मुझे इतना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। अब जो है संडे का है, अभी हम लोग रियलिटी शो देखते हैं और इतनी जल्दी इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते कि भाई जाने दो, भाई कल का बोर रहा, आज हम लोग देखेंगे नहीं। आज के प्रोमोज कुछ सामने आए हैं, मिस्टर फैजू एल्विश स्टेज पे हैं, एक फ्रेम पे हैं और इनके दोस्तों के ऊपर जो एलिगेशन लगी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अब जो है घर के अंदर एक टास्क करवा दिया गया है और सामने रख दिया गया है लवकेश और अदनान को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसकी संगत ज्यादा बुरी है तो आप किसका नाम लेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यही सवाल जो है बिग बॉस ने पूछ लिया है अब घर वालों से और इनको खड़ा कर दिया है सामने, और इन जिसकी भी संगत बुरी है उसके माथे पे स्टैंप लगाना है। और अब जो है इसका प्रोमो भी आ चुका है सामने और आप लोग जो है आज के एपिसोड में देख पाएंगे, वीकेंड के वार में जो है देख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार किस किस को लगता है कि लवकेश की संगत बुरी है और किस किस को लगता है कि अदनान की संगत बुरी है। लवकेश की संगत बुरी है नेजी को लगता है, और इसके मीन जोक होते हैं रिपीट एंड रिपीट है। पता नहीं क्यों नेजी को जो है ये बिग बॉस और जो अनिल कपूर है वो रोकते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं कि तुम एक ही, जब से आए हो तुम एक ही धुनी में लगे हुए और यही एलिगेशन जो है तुम लगाते रहते हो। अगर लवकेश आए तो लवकेश के ऊपर, नहीं तो शिवानी के ऊपर, कि शिवानी को तमीज़ नहीं है और इसीलिए मैं उसको नॉमिनेट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और मीन जोक है, लेन जोक है, ये सब चीज़ें करके जो है लवकेश को टारगेट करते रहते हो। और सना सुल्तान वो तो है ही ऐसी, वो तो दुश्मन बन चुकी है तो उसको भी लगता है कि संगत बुरी लवकेश की है, और साई केतन को भी लगता है कि संगत बुरी जो है लवकेश की है, कृतिका को भी लगता है लवकेश की ही संगत बुरी है, और रणवीर को भी लगता है, अपने अपने वाजिद कारण देते हुए इन लोगों ने बोला। अदनान अदनान की संगत बुरी कहने वाले हैं सना मकबूल, विशाल, शिवानी, अरमान और दीपक। अभी देखिए सना मकबूल ने भी बोल दी, सना मकबूल चलो दोस्त थी और फिर भी उसने बोल दिया, वो देखा जाए तो लवकेश की ज़्यादा अच्छी दोस्त है, और विशाल जो है वो लवकेश के दोस्त हैं, शिवानी जो है लवकेश की दोस्त है, तो ऑफकोर्स उनकी तो संगत बुरी नहीं होगी। पर अरमान और दीपक, दीपक टिट फॉर टैट करते हैं, दीपक को मतलब कि ये बात बोल दी है ना, वो एल का जो बोर्ड लगा दिया उसके बाद दीपक ने सोच लिया यही मेरा टारगेट है, बस मैं इसको अब टारगेट करूंगा, कुछ भी होगा यही बुरा, कुछ भी होगा यही बुरा, तो यही बंदा जो बुरा है। पर विशाल का देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, प्रोमो आया है, विशाल ने बोला है कि मेरे दोनों ही दोस्त हैं पर मुझे एक को चुनना पड़ेगा, तो देखा जाए तो संगत की अगर मैं बात करूँ तो अदनान, तो उसके बाद जो है इवन काफ़ी ज़्यादा सर पे चढ़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा डांट लगाते हुए अनिल कपूर जो है नज़र आएंगे, कि अच्छा कोई दूसरा बोले तो अदनान सही, अगर तुम्हें चुनने की बारी आए तो अदनान गलत है। तो इस वे में जो है काफ़ी ज़्यादा दिमाग जो है वो ख़राब कर रहे हैं विशाल का अनिल कपूर। वैसे देखा जाए तो अनिल कपूर काफ़ी अच्छी होस्टिंग तो कर रहे हैं और मज़ा तो आ रहा है, पर बस कल की, मैं कल का तो सोच सोच के मुझे हार्ट अटैक आने के लिए हो जाता है कि भाई हार्ट अटैक ना आ जाए।